दर्रे से आना है यहाँ से, और इसके जस्ट बगल में देखिए हजारों फीट की खतरनाक खाई। यहाँ से जो फिसला सीधे गया हजारों फीट नीचे। काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है और यही काफ़ी सकरी सी दर्रा है पत्थर का, इसी में से किसी तरह से चढ़ना है। और बहुत खतरनाक ये चढ़ाई है, यहाँ पर आना बहुत खतरनाक है। यहाँ देख रहे हैं एकदम रास्ता ही नहीं है जाने का। ये देखिए मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब प्रबल आने की कोशिश कर रहा है। एकदम खतरनाक ये जगह है, इस तरह से दर्रे से आना है यहाँ से, और ये चढ़ेंगे और इसके जस्ट बगल में देखिए हजारों फीट की खतरनाक खाई। यहाँ पर जो फिसला वो गया, दूर का दृश्य देखिए, हड्डी गुड्डी भी नहीं पता, चारों तरफ एकदम 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे, जबकि अभी तक हम लोग पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुँच पाए हैं। वहाँ सामने सोन नदी दिख रहा है और उस पर वो चोपन का ब्रिज भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बाई रोड वो चोपन का ब्रिज है, जो कि हम यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी ऊँची पहाड़ी है। ये जो छोटा सा जलधारा बहता हुआ दिख रहा है, यह सीधे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएगा, 2-3 किलोमीटर जंगल झाड़ी के रास्ते, तो वहाँ पर हम लोग बाइक खड़ी किए हैं और इतना दूर से ट्रैकिंग करते हुए अभी को इस जगह पे पहुँचे हैं। काफ़ी ख़तरनाक जगह है, देख रहे हैं आप यहाँ से चढ़ते हुए इन दर्रे में से हम लोग को चढ़ना पड़ा है इतना ऊँचाई पर। लगभग यहाँ पर 20-30 फीट की लगभग ये डायरेक्ट एकदम ऊँचाई चढ़ाई है, हम लोग को चारों पैर का इस्तेमाल करके चढ़ना पड़ रहा है। अभी ऊपर देखिए, ये डायरेक्ट ऊपर अभी जाना है, ऐसे ही चारों पैर का इस्तेमाल करके बंदरों की तरह से इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाने के लिए कोई सीढ़ी उढ़ी नहीं है। ऐसी जगह पर अगर आप आइए तो काफ़ी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखिए जो एक्सपीरियंस हो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। हम लोग का काफ़ी अनुभव है कई सालों का पहाड़ों में चलने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। हम चल रहे हैं अब ऊपर, उस चोटी पर हमें चढ़ना है और देखते हैं। काफ़ी खतरनाक ये जगह है, इधर घनघोर खाई है और इधर देखिए कितना खतरनाक जगह है। देखिए बंदरों का तरीका हम लोग को लगाना पड़ रहा है। इस साइड आप देख रहे हैं एकदम खतरनाक खाई है, डायरेक्ट यहाँ पैर है और यही बगल में देखिए हजारों फीट की खाई, और ये चारों तरफ का दृश्य देखिए। अभी हम लोग को इसके ऊपर बहुत जाना है, बहुत अभी सीधे एकदम खड़ी चढ़ाई है, चल रहे हैं। देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए। पीछे देख पा रहे हैं खतरनाक खाई है, और इस तरह के ये रास्ते हैं जो कि हर जगह हम लोग को मिल रहे हैं। काफ़ी मेहनत, आप महीने भर जिम में जाके जितना कैलोरी खर्च करेंगे आप यहाँ पर एक ही दिन आइए ट्रैकिंग कर लीजिए, उतना कैलोरी आपका बर्न हो जाएगा। अपने साथ पानी, कुछ खाने पीने की चीज़ और फर्स्ट एड बॉक्स जो बहुत ज़रूरी है वो अपने साथ रखिए, और ऐसी चढ़ाई पर आ जाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, पहली बार आप आइए तो अपने साथ किसी ट्रैकिंग करने वाले अनुभवी व्यक्ति को साथ जरूर रखिए। यहाँ पर देख रहे हैं पैर के पास, ये पतला सा रास्ता है, इधर खाइए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
झाड़ियों के रास्ते हैं, इन जगहों पे ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जिसको आप हाथ मत लगाइए, बहुत सावधानी से चलिए, क्योंकि बहुत सी कटीली झाड़ियां हैं, जहरीले पौधे हैं जिसको छू देने से आपको एलर्जी होगा, खुजली होगा। जिसका अनुभव हो उसके साथ आइए और ट्रैकिंग का आनंद लीजिए। काफ़ी मुश्किल चढ़ाई थी, थोड़ी सी आराम मिली है क्योंकि यहाँ पर लगभग 15-20 फीट तक समतल था। अभी फिर हम लोग को चढ़ना है, इधर देखिए अभी ऊंचाई तक चढ़ना है, फिर से उसी तक तरह के रास्ते आ गए। यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ पकड़ जैसे बस में होता है, इसका सहारा लेके हम लोग चल रहे हैं। प्रबल कैसा लग रहा है? प्रबल को बहुत ही बढ़िया लग रहा है ट्रैकिंग, क्योंकि हम लोग तो ट्रैकिंग करते रहते हैं, हम लोग का ये मजा है, हम लोग इंजॉयमेंट के लिए एक ट्रैकिंग करते हैं। और इसी तरह से अगर आपको भी ये सब चीज़ें देखना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन अगर आप आ नहीं पाते हैं, ऐसी जगहों को घूम नहीं पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। देखते रहिए रेगुलर भारत भूमि ब्लॉग को, इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पत्थर निकला हुआ है, उसी पर से पैर रख के हम लोग को आगे बढ़ना है। कोई यहाँ पर रास्ते नहीं बने हैं जो जाने के लिए हो, हल्का हल्का पत्थर निकला हुआ है, उसी पर पैर रखकर हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग बहुत जगह ट्रैकिंग किए हुए हैं, लेकिन उन सब में से सबसे अच्छी जगह हमें लग रहा है, क्योंकि ये वास्तव में एक नेचुरल ट्रैकिंग का प्लेस है। यहाँ पर कोई सीढ़ी वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं। पहाड़ के ऊपर हम आ चुके हैं और जैसा कि अब हमें समतल मैदान दिख रहा है, मैदानी क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं पहाड़ की चोटी पर। और यहाँ से अब देखते हैं कितना दूर हम लोग को और चलना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार हम आए हैं, हम लोग को नहीं पता रास्ते किधर है, घनघोर जंगल है, चारों तरफ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि हम लोग एकदम ढके हुए हैं। कैसी जगह है, कैसी लोकेशन है, कितना दूर और चलना है हम लोग को नहीं पता है। और चारों तरफ का ये व्यू देख रहे हैं, ऐसी घनघोर चारों तरफ की ये जंगल है। यहाँ पर दूर दूर तक केवल हम ही लोग हैं और यहाँ की सुंदर झाड़ियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, तितलियाँ, जानवर भी छुपे होंगे, सांप भी होगा और क्या क्या होगा, हम लोग उसको जानते भी नहीं होंगे। पानी भी हम लोग का ख़त्म हो चुका है,